शाजापुर के मोहन बड़ोदिया में तहसीलदार एवं थाना प्रभारी के नेतृत्व में रोको टोको अभियान चलाया गया। क्षेत्र में जो लोग अनावश्यक रूप से घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको मोहन बड़ोदिया पुलिस एवं तहसीलदार द्वारा रोको टोको अभियान के तहत पूछताछ की गई। अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दी गई एवं अनावश्यक न होने की हिदायत दी गई। शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया में तहसीलदार के द्वारा जगह जगह जाकर लोगों को टीकाकरण के बारे में अवगत करवाया जा रहा है। इस महामारी के समय में तहसीलदार मोहन बड़ोदिया वासियों से अपील की है कि महामारी के समय में सभी अपने अपने क्षेत्र के कोविड सेंटर पर जाकर टीकाकरण कराएं। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 मई से 18 वर्ष से अधिक लोगों को टीकाकरण किया जाएगा, जिसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। 18 वर्ष से अधिक आयु के युवा उसे भी उन्होंने अपील की है कि अधिक से अधिक टीकाकरण करवाएं ताकि इस महामारी से निजात मिल सके। देश की विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो भी शोध किए गए हैं उसमें टीकाकरण को पूर्ण रूप से सुरक्षित एवं टीकाकरण के बहुत फायदे निकल कर सामने आए, तो मैं मोहन बड़ोदिया क्षेत्र की समस्त जनता से ये अपील करता हूँ कि सभी लोग अभी जो वर्तमान समय में 45 वर्ष से अधिक ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण चल रहा है उसमें सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जाकर टीकाकरण करवा लें, और 1 मई से जो 18 वर्ष के अधिक लोगों के लिए टीकाकरण चालू होगा उसमें 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे, सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन करवा कर टीकाकरण करवा। शाजापुर से दिलीप सुराष्ट्र की ये रिपोर्ट।